हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज चिकन बनाते हैं, सिंपल चिकन। तो ये लिए हैं 5 प्याज और 3 टमाटर। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिए। हमने 1 किलो चिकन लिया है, इस हिसाब से इतने ही लगेंगे। और ये लिए हैं कुछ लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा। तो इन्हें भी हम ढंग से कूट देंगे। कूटने से काफ़ी रस आता है, स्वाद आता है। तो चलिए, हमने ये तेल डाला है कढ़ाई में और तेल पकने का इंतज़ार करेंगे। सरसों का जो तेल होता है, जब कच्चा रहता है तो ज़्यादा पीला होता है, थोड़ा थोड़ा जब गर्म होने लगता है तो लाइट होने लगता है। तो हमने इसे इसमें सीड डाल दिए थे, चटकने के लिए रख दिया है। तो इसके बाद इन्होंने चॉप किया हुआ अनियन भी ऐड कर दिया है। चिकन प्याज को हमेशा तब डालना है जब तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाए। एकदम से अगर जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना, तब जब अगर प्याज डालेंगे तो प्याज क्या हो जाता है कि तुरंत जल जाता है। और ये लिया है थोड़ा सा धनिया के पत्ते, और ये कूट दिया हमने लहसुन और अदरक। चलिए, ये लिया है चिकन 1 किलो, और ये प्याज भी धीरे धीरे ब्राउन होने पे लगे हुए। तो फ्रेंड, ये प्याज जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत कम भी नहीं भूनना है, क्योंकि कच्ची स्मेल आती है। बहुत ज़्यादा भून के मीठे हो जाएंगे, तो इसलिए इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। और इसे कम से कम 5 से 6 मिनट चलाने के बाद इसमें मसाले ऐड कर देंगे एक एक करके। तो इसमें नमक मिला दिया है 2 चम्मच। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक मिलाना, आपको जैसा नमक ज़्यादा कम या ज़्यादा चाहिए। ये हल्दी पाउडर भी मिला दिया है 1 बड़ा टीस्पून, और इसमें धनिया पाउडर भी मिला दिया है इन्होंने 2 बड़े टेबल स्पून। तो अब इसे 30 सेकंड तक चलाते रहेंगे जिससे कि मसाला पक जाए। इसमें मसाला पकाना बहुत ज़रूरी है। मसाला पकने से बहुत ज़्यादा स्वाद आता है और अच्छे से पक भी जाता है, और कच्ची मसालों की स्मेल भी नहीं आती है। अब इसमें लास्ट में डालेंगे मीट मसाला। MDH का मीट मसाला लिया है, इससे स्वाद बहुत ज़्यादा आता है। चिकन, ये चिकन मसाले के चिकन के लिए होता है। चिकन या मीट इसमें ऐड कर सकते हो आप लोग, तो काफ़ी ज़्यादा स्वाद आता है। तो हम MDH का, कोई भी MDH का ही मसाला डालते हैं। सब्जी मसाला हो गया, मीट मसाला हो गया, चाट मसाला हो गया, तो MDH का ही लेती हूँ। देखिए, ये देख सकते हो काफ़ी सुंदर सुनहरा कलर आ चुका है इसमें, और कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। चिकन 30 मिनट में चिकन बन जाएगा। बस टाइम थोड़ा सा मसालों में लगता है, उसके बाद चिकन में थोड़ा चिकन में लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस जल्दी पक जाता है चिकन। तो ये इन्होंने सारे मसाले पका दिए हैं, और इसमें के बाद इसके ऊपर चला गया है चिकन, और चिकन को भी अच्छे से मिला देंगे कि मसाले भी एब्जॉर्ब करेंगे ना चिकन को। ढंग से मिलाते रहेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी मिलाते रहेंगे जिससे कि नीचे ना लगे। पानी मिलाने से थोड़ा जल्दी पकेंगे ना। हाँ, भी इसी तरीके से चलाते रहिए इसे। और सबसे पहली बात, मेरे हस्बैंड बहुत टेस्टी चिकन बनाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाते हैं और बहुत जल्दी बनाते हैं। इवन मटर पनीर हो गया,
मीट हो गया, चिकन हो गया, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी बना देते इवन। तो चलिए ये हमारा हो गया है चिकन रेडी, तो ये रोटी के साथ खा रहे हैं। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके की रेसिपी चिकन की कैसी लगी आप लोगों को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।